नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दो प्रतिद्वंदी व संभावित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बीच समर्थकों के बीच लात घूसे चले थे, तो वहीं सिरसा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन को एक महिला भाजपा कार्यकर्ता ने रानिया से भाजपा के संभावित उम्मीदवार में शामिल शीशपाल कंबोज की किस ढंग से शिकायत की वे आप इस वीडियो में स्वयं देख सकते हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में कलह की जड़ें फैलती जा रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको ये बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका सीधा असर हो सकता है। कुछ बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रही भीड़ का असर अब यह साफ दिखाई देने लगा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जहां कैथल में लात घूसे चले थे तो वहीं शिकायतों का दौर भी अब जारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय बड़ा मजबूत और विशाल संगठन है। जहां मजबूत संगठनात्मक प्रणाली इसकी पहचान है, तो वहीं इस समय पार्टी में कलह का बीज अंकुरित होने लगा है। खैर, इसके परिणाम क्या होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देखें पल पल की ये विशेष। आप उसके साथ जाते हो, हमारी सपोर्ट में नहीं हो, ये नहीं हो, ये क्या मतलब है जी? शीशपाल कंबोज ने मीटिंग में मेरी बेइज्जती करी है जी। क्यों जी, इसका क्या? मैं आज की नहीं पार्टी की, मैंने 1100 में एक महिला भी जज मीरा देवी, क्या हो गया मीडिया से? सबसे कुछ कार्यकर्ता सारे मीडिया से मैंने आज यहाँ शीशपाल कंबोज जी को नमस्ते बुलाया जी। आप उसके साथ जाते हो, हमारी सपोर्ट में नहीं हो, ये नहीं हो, ये क्या मतलब है जी? शीशपाल कंबोज ने मीटिंग में मेरी बेइज्जती करी है जी। क्यों जी, इसका क्या? मैं आज की नहीं पाती की, मैंने 1100 में एक महिला भी जज मीरा देवी, क्या हो गया मीडिया से? सबसे कुछ कार्यकर्ता मीडिया से मैंने आज यहाँ शीशपाल कंबोज जी को नमस्ते बुलाया जी। आप उसके साथ जाते हो, हमारी सपोर्ट में नहीं हो, ये नहीं हो, ये क्या मतलब है जी? शीशपाल कंबोज ने मीटिंग में मेरी बेइज्जती करी है जी। क्यों जी, इसका क्या? मैं आज की नहीं पार्टी की, मैंने 1100 में एक महिला भी जज मीरा देवी, क्या हो गया मीडिया से? सबसे कुछ कार्यकर्ता मीडिया से कितनी से? वाह, वेरी नाइस, धन्यवाद साहब। आप लोग का आप लोग इस तरह समय निकल कर आए, चलो बस इतने सारे ये है लोग। सिरसा की जागरूक प्रेस के सभी साथियों का अभिनंदन है। मैं सिरसा में बहुत समय बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। और देखिए, चुनौती इस चुनाव में, मैं अपने कार्यकर्ताओं से मैंने कहा ये चुनाव हमारे लिए उत्सव होता है। राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव उत्सव है, उत्सव की मस्ती में कार्यकर्ता काम करेंगे और अपनी बूथ को जीतने की चुनौती है बस, और सामने कोई नहीं है, हमें अपना बूथ जीतना है, यही हमारी चुनौती है। मस्ती के साथ काम करके अपनी बूथ को जिता के लाएंगे, ये हमारी सबसे नहीं, गठबंधन की आवश्यकता नहीं है हरियाणा में हमको। जैसे लोकसभा में अकाली दल वाले साथ चले थे, तो इस बार अकाली हमारे स्वाभाविक साथी हैं, वो गठबंधन हरियाणा में गठबंधन हो या ना हो वो हमारे साथ ही रहते हैं। क्योंकि बाहर दूसरी पार्टियों से बहुत से विधायक और दूसरे नेता आ गए, हमने सबको कहा है टिकट की शर्त पर कोई नहीं आया है, सब अनकंडीशनल आए हैं और हम सीट टू सीट इसका विवेचन करके जो उपयोगी लगता है, जो जीतने वाला लगता है, जो पार्टी को आगे ले जाने वाला लगता है, उसको टिकट देंगे, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना, चाहे मौजूदा विधायक भी हो चाहे मौजूदा भी हो, टिकट दो हैं तब को। जीतने की संभावना कितनी है, हम अपनी सब हमारी विचारधारा विवेचन छवि सब चीज को ध्यान में रखकर हम टिकट देंगे। इसके केस टू केस इसके लिए कोई यूनिफॉर्म फॉर्मूला नहीं होने वाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी चुनौती पेश की है सर, बड़ी रैली करके खट्टर सरकार को हटाने के। उन्होंने चुनौती सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए, अशोक तंवर के लिए की होगी, जनता में उनकी कोई चुनौती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे विपक्षी थोड़ा बहुत तो खड़े हों, जिससे हमें भी लड़ने का मजा आ जाए।